इस वीडियो में हम एल्किन्स चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हेडिंग दैट इज ऑफ एल्किन. ठीक है, तो एल्कीन जनरली सी और सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होता है. तो जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो एल्कीन्स में आते हैं. एंड इस चैप्टर का जो स्पेसिफिक इस मतलब कंपाउंड्स के जो स्पेसिफिक रिएक्शन जो ये अंडरगो करते हैं उन्हें कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन. क्या कहा जाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है ऐसे रिएक्शन जिसमें से कोई एक कंपाउंड लाइक H2O या HCl या कोई भी एक लाइक कोई भी कंपाउंड जो होता है, ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है ना, एक लिविंग ग्रुप के साथ में, ठीक है ना. तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो 1-1 अल्फा एलिमिनेशन एंड 1-2 अल्फा बीटा एलिमिनेशन. ठीक है ना, 1-1 अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन. तो अभी हम सीखते हैं व्हाट इज 1-1 अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन. 1-1 अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में एक ही कार्बन में जो दो ये होता है, ठीक है, मतलब ग्रुप होता है, ये किसी एक मेटल या किसी के प्रेजेंस में हीट जब हम करते हैं तो ये माइनस ZnI2 के फॉर्म में बाहर मतलब प्रेसिपिटेट या फिर निकल जाता है. तो ऐसे रिएक्शन को 1-1 अल्फा एलिमिनेशन हम लोग कहते हैं. ठीक है, अब हम सीखते हैं कि 1-2 अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है. लेट मी चेंज द ब्रश साइज. This is called as 1-1 alpha elimination. Now coming to the other topic, there is 1-2 alpha beta elimination reaction. Okay, what is 1-2 alpha beta elimination? So, ऐसे compound, ठीक है, जिसमें दो carbon से eliminate होता है अलग अलग group. CH2, इस carbon पे एक group है I, इस carbon पे एक group है. ध्यान रखिए, यहाँ पे दोनों ही group एक ही carbon पे थे, इसलिए हम लोग इसको 1-1 alpha elimination बोला जाता है. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अल्फा का कार्बन ये बीटा कार्बन हो गया, ठीक है ना, पहला कार्बन अल्फा बोलते हैं. तो यहाँ से और यहाँ से जो होता है हम लोग का अलग अलग कंपाउंड जो होता है ये ऐसा निकल जा रहा है, ठीक है, माइनस ZnI2 इट इज बाहर निकल जा रहा है, ठीक है ना. तो ऐसे रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब ये निकलता है तो यहाँ पे हम लोग को बनता है डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ठीक है, ये बन गया. जब निकलता है तो यहाँ पे वैलेंसी फ्री हो गया और ये दो वैलेंसी मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है. तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं 1-2 अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है. अब 1-2 अल्फा बीटा एलिमिनेशन जो होता है ये फर्दर फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया है. पहला हम लोग का होता है E1 टाइप, ठीक है, दूसरा हम लोग होता है E2 टाइप एंड तीसरा हम लोग होता है E3 टाइप एंड फोर्थ नंबर पर होता है हम लोग का E4 टाइप, ठीक है. तो पहले हम देखते हैं E1 रिएक्शन क्या होता है. E1 रिएक्शन जो होता है दैट इज E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन. E1 जो होता है E1 दिस इज अ यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है. व्हाट इज द यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन? ओके, E1 मतलब होता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन. तो ये क्या होता है देखते हैं. इसमें क्या होता है कि एक ही स्टेप पे जो रिएक्शन होता है, ठीक है, एक ही स्टेप में मतलब जो होता है रिएक्शन, इसमें मतलब एक दो स्टेप में जो रिएक्शन होता है सॉरी उसको अपन बोलते हैं E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन. मतलब एक ही मॉलिक्यूल में डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है ऐसे, उसको बोलते हैं E2. इसमें क्या होता है दो स्टेप लग जाता है, ठीक है ना. तो इसलिए हम लोग इसको E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं और इसमें एक ही मॉलिक्यूल का वो लगता है, ठीक है. तो सब हम लोग यहाँ पे एक बनाते हैं एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल थ्रू समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को. ये हम लोग का हाइड्रोजन है एंड ये एक ऐसा मतलब कंपाउंड लिविंग ग्रुप है और ये हम लोग का और ये हम लोग का लिविंग ग्रुप है लाइक Cl एक लिविंग ग्रुप है और ये हम लोग का अल्फा कार्बन है, ठीक है. तो यहाँ हम लोग पहले हम लोग जो स्टेप वन होगा दैट इज हम लोग का RDS होता है जिसको अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लेते हैं. इस स्टेप में जो होता है यहाँ पे हम लोग का बेस का जो होता है वो यहाँ से अटैक करेगा. लिविंग ग्रुप जब निकलता है तो यहाँ पे हम लोग का एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना. जब लिविंग ग्रुप निकालेगा इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा तो यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से वैलेंसी से खा लेगा, ठीक है. फिर ये हाइड्रोजन जो होता है यहाँ से टूट के ये अपना इलेक्ट्रॉन H+ के फॉर्म बाहर निकलेगा, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन का आहूति देकर बाहर निकलेगा. तो यहाँ पर जो होता है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना. तो B- निकल जाएगा और यहाँ पे जो है स्टेप टू होता है, ये स्टेप टू ये हम लोग का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना. दैट इज E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन. ओके, इसमें हम लोग का क्या होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, आप देख सकते हैं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ. तो यहाँ पे हम लोग का कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए. तो E1 मैकेनिज्म जो होता है उसमें स्टेप वन एक दो स्टेप होता है और स्टेप नंबर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो होता है या फिर उसको बोलते हैं जो स्लो होता है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है, ठीक है. तो स्टेप नंबर वन है इसमें RDS, ठीक है.
जिसका रेट जो होता है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ, उसके अलावा इस स्टेप का हम लोग का ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है ये, ओके। एंड इसका जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ इवन रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ इवन रिएक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जो होता है हम लोग प्लस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट से निकाल सकते हैं, इट डिपेंड फ्रॉम द सब्स्टिट्यूटर, ठीक है। और इसमें कुछ हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं रिएक्शन वाइज, जो कॉन्सेप्ट में काम आएगा, दैट इज द ये जो इवन मैकेनिक, इवन रिएक्शन होता है जो कि दो स्टेप में एलिमिनेट होता है। पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, फिर उस कार्बोकैटायन को एक मतलब लिविंग ग्रुप बेस हटा लेगा। ये स्टेप जो होता है, ये रिएक्शन जो होता है वीक बेस के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो वीक बेस इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द इवन रिएक्शन, आप ऐसे ऐसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। वीक बेस को आप एग्जाम जो होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हाई टेम्परेचर भी यहाँ पर रिक्वायर होता है, वीक बेस एंड हाई टेम्परेचर भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स जो रिएक्शन का मैं देख सकता हूँ, दैट इज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मोस्टली इवन मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होता है इवन से ही होता है। सोल्वोलाइसिस जो होता है, हम लोग ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, सोल्वोलाइसिस आप नोट कर लीजिए। एंड पिनाकोल पिनाकोलोन पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन, ठीक है। ये जो होता है ये हम लोग का इवन मैकेनिज्म से होता है। तो आप इस चीज़ को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका काम आएगा, ठीक है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज द ई टू मैकेनिज्म, ठीक है। ई टू मैकेनिज्म, ई टू यानी कि बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ई टू जो होता है ये हम लोग का बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें जो होता है हम लोग का एक ही स्टेप में हो जाता है एंड डायरेक्टली निकल जाता है, एक ही स्टेप में जो रिएक्शन। एंड कि हम देखते हैं कंपाउंड को, ये अपना ऐसा एच है, ओके, दिस इज द लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो होता है ये हम लोग का पहला स्टेप हो गया स्लो स्टेप, और आर डी एक ही स्टेप होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का बेस आया बी माइनस, जो कि क्या करता है, डोनेट करता है एफिडेक्स। तो ये हम लोग इसको डोनेट किया, ये जो है दोनों बेस और ये निकल चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग का होगा ट्रांस, लेकिन यहाँ पे जो होता है पहले, हाँ, तो ये बेस जो होता है ये बेस लिविंग ग्रुप पे अटैच नहीं करेगा, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप पे अटैक नहीं करेगा, पहली बात। ये बेस जो होता है इसको इस हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक ट्रांसिशन स्टेट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना, एक ट्रांसिशन स्टेट फॉर्मेशन होगा जिसमें ये अपना लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ हम लोग का जो होता है ये हाइड्रोजन है, और यहाँ हम लोग का बेस जो है ट्रांसियंटली जुड़ जाता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ट्रांसिशन स्टेट, ट्रांसिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांसिशन मतलब एक टेम्पररी फिनोमेना, टेम्पररी मतलब ये स्टेट है, ठीक है। ट्रांसिशन स्टेट हो गया टी एस, और ये हम लोग का एंटी और ट्रांस हो सकता है। एंटी मतलब ट्रांस, मतलब दोनों का अलग अलग मतलब आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट है। फिर इसमें क्या होता है, ये बेस जो है इसको हाइड्रोजन निकाल देगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, अभी लिविंग ग्रुप जब निकलेगा तो यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देकर निकलेगा, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एंड दैट इज द ट्रांस, ठीक है। तो बस यही हो गया। इवन मैकेनिज्म क्या था, स्टीरियो सिलेक्शन कुछ भी नहीं था। यहाँ पे क्या है, ट्रांसिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे स्टीरियो सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट लगा। तो यहाँ पे हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। ये पहली बात ये होगा स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, बिकॉज वीक बेस जो होता है वो कभी भी एक स्टेप पे नहीं कर सकता, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस का जरूरी होता है। एल्कोहल एल्कोहल जो होता है, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, एल्कोहलिक KOH, ठीक है, ये कर लेगा डायरेक्टली, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ई टू इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। और इसका जो रेट रेट होगा वो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर हम लोग का स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांसिशन स्टेट के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब यहाँ पे जब हम लोग ट्रांस और सीस ये सब का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द स्टीरियो सेलेक्टिव, बिकॉज स्टीरियो आइसोमर फॉर्म हो रहा है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होता है। इवन तो स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं था, और नहीं था मतलब क्या होगा, सारा प्रोडक्ट सीएचजीएफ प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो हम लोग का सीएचजीएफ, यहाँ लोग प्रोडक्ट जो होगा वो हम लोग का सीएचजीएफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा हम लोग देखते हैं इवन यूनिमोलिकुलर बाय कॉन्जुगेट बेस भी हम लोग देख सकते हैं, जो कि उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे, लेकिन मतलब वहाँ पे जो होता है हम लोग का कॉन्जुगेट बेस के प्रेजेंस जो रिएक्शन होता है वो वहाँ पे कार्बेनियन का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग उसको देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहा हूँ। चलिए अब हम देखते हैं ई वन
सॉरी ईवन आई सी, ईवन वाया कॉन्जुगेट बेस, ईवन मैकेनिज्म वाया कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, ईवन आई सी भी बोल सकते हैं, सो ईवन वाया कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस की प्रेजेंस से जो ईवन मैकेनिज्म, जो ईवन रिएक्शन हो रहा है उसको अपन ईवन आई सी भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। ठीक है, ये अपना कंपाउंड है, ये अपना ऐसा है, ये इसका अल्फा कार्बन है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ हम लोग का क्या स्टेप वन, ठीक है, पहला स्टेप होगा, तो पहला स्टेप जो होता है यहाँ थोड़ा फास्ट होता है, तो ये बेस यहाँ पे आ गया, तो ये हम लोग का फास्ट स्टेप, ठीक है। तो ये ईवन मैकेनिज्म है, तो ये बेस जो होगा इसको अट्रैक्ट करेगा एंड ये डायरेक्टली इससे निकल के निकल जाएगा, मतलब पहले यहाँ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर ये निकलता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ कार्बेनियन का फॉर्मेशन हो रहा है, आई बात सुन में, ये बेस जो है इसको इसको इस प्रोटॉन को निकालने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ऐसा आ गया, ये कार्बेनियन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, कार्बेनियन यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, एंड यहाँ पे जो स्टेप टू आएगा, तो स्टेप टू जो होता है वो हम लोग का स्लो होता है, एंड दैट इज़ ओनली द आर डी एस ऑफ दिस स्टेप, ठीक है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, सी एस एस का डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, एंड सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे एल माइनस प्लस बी एच, तो लिविंग ग्रुप निकल गया एल माइनस फॉर्म में, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पॉजिटिव को वो करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्टली बात है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैंने को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए, ये तो कोई खास रिएक्शन शो नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो दो स्टेप में हो रहा है, इसमें आर डी एफ जो होता है याद रखिए स्टेप नंबर टू था, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वन है वाया कंजुगेट बेस, इंटरमीडिएट जहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो हम लोग का क्या था, कार्बो कैटायन नहीं था, ट्रांजिशन स्टेट नहीं था, बट यहाँ पे इंटरमीडिएट था कार्बेनियन, तो जो भी कॉन्जुगेट बेस के प्रेजेंस में था उस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है कार्बेनियन, जिसका स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा कार्बेनियन का स्टेबिलिटी, तो जितना ज़्यादा तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बेनियन, ठीक है। कार्बेनियन स्टेबिलिटी किसके डिपेंड करता है, माइनस आई के डिपेंड करता है, माइनस एम पे डिपेंड करता है। तो आपको अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमारी तरफ से तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग दूसरे पढ़ते हैं यहाँ पर, नॉट स्टीरियो सेलेक्टिव, तो ये हम लोग का स्टीरियो सेलेक्टिव भी नहीं है, ठीक है ना, ये हम लोग का स्टीरियो सेलेक्टिव भी नहीं है, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट जो होता है हमेशा हॉफमैन होता है, जो कि अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसलिए ये रिएक्शन ज़्यादा हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। फिर जो थ्री डिग्री आर एक्स होता है वो ज़्यादा एक करता है, फिर हम लोग का टू डिग्री आर एक्स करता है, इससे कुछ और एक पॉइंट है, फिर कम इसको वन डिग्री आर एक्स करता है, ठीक है ना। तो और आर आई आर बी आर आर सी एल फिर कम आर एफ, ठीक है। तो यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग बेफ लगता है एंड पोलर एयरप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ रिक्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का इवन आई सी भी आया कॉन्जुगेट बेस खत्म हो गया। अब हम डायरेक्टली जाते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर, लाइक इवन इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर ग्रेजुएशन लेवल, सो वी आर ओनली गोइंग टू नीट एंड जे मेंस, ठीक है। और ये इस टॉपिक का इंट्रोडक्टरी वीडियो था, एंड एक टॉपिक और यहाँ पर कवर करना है, लाइक ई टू मैकेनिज्म में जब हम लोग का दो दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, एक सिटजेफ और एक हॉफमैन, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई एम गोइंग डिलीट इट, ओके, ठीक है। तो जैसे ने हम लोग देखा था ईवन मैकेनिज्म जो था वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग का क्या होता है, ऑलवेज सिटजेफ था, ऑलवेज सिटजेफ, ठीक है ना। अरे सिटजेफ क्या है, हॉफमैन क्या है, ये प्रोडक्ट होते हैं, जब रिएक्शन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो एक सेटजेफ होता है जो कि मोर स्टेबल होता है, जो सेटजेफ जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना। लेकिन ई टू मैकेनिज्म ने हमने देखा कि ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, तो वहाँ पर क्या था, बोथ प्रोडक्ट होता है, सेटजेफ भी बन रहा था एक और एक हम लोग क्या बन रहा था, हॉफमैन बन, ठीक है, ठीक है ना। फिर हम लोग देख रहे थे हम लोगों का ई वन आई सी बी, इसमें क्या बन रहा था, इसमें प्रोडक्ट था हॉफमैन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं कि ई टू मैकेनिज्म जो था, ठीक है, ई टू का जो भी प्रोडक्ट था वो इसका हम लोग को प्रोडक्ट का कुछ कुछ डिसाइडिंग फैक्टर हम लोग सीखते हैं जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ई टू के रिएक्शन में प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्टेबल, प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑलवेज सिटजेफ, ठीक है, एक्सेप्ट फोर कंडीशन, एक्सेप्ट फोर, ठीक है। पहली बात है अगर लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग आई है, है ना, तो अगर लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग आई है तो पहला कंडीशन है इफ लिविंग ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग आई, तो स्ट्रॉन्ग आई है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को मतलब अट्रैक्ट जैसा खींचेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आई हो गया। दूसरा यहाँ केस है कि फोर डिग्री गामा कार्बन इज प्रेजेंट, ठीक है, लाइक ये कंपाउंड हो गया,
मतलब जो हम लोग सबस्ट्रेट है ये लिविंग ग्रुप है, तो फिर यहाँ पे 4 डिग्री गामा कार्बन है तभी भी हॉफमैन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है हम लोग का कि हम लोग का बल्की बेसिस आर प्रेजेंट, मतलब बल्की बेस के प्रेजेंट हम लोग जब रिएक्ट करवाते हैं लाइक ये वाला ओ माइनस, ठीक है। तो ऐसे 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 से बल्की बल्की बेस में जब हम रिएक्ट कराते हैं, या हम लोग लास्ट कंडीशन क्या होता है बल्की लिविंग ग्रुप, इस तरह बल्की लिविंग ग्रुप होता है लाइक हम लोग का एस आर टू या फिर हम लोग का एन एच आर टू टाइप का जो बल्की लिविंग ग्रुप है, तब ये जो प्रोडक्ट क्या होगा हॉफमैन होगा, नहीं तो हमेशा स्टेबल होगा, ठीक है ना। बस आपको ये वाला बात याद रखना है। इसके अलावा हम डायरेक्टली अपन अब मेथड ऑफ जीएमपी, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।